पर आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी छत पे। मतलब मैं मल्टी टास्किंग जब करती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। घंटी बंद करो। दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो आज मैं एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, छोटा सा ब्लॉग। अरे मेरा बच्चा आ गया, देखो देखो, अरे कौन आया ये तो। गाइस हिबा की तबीयत बहुत खराब है कल रात से, और मेरा बच्चे ने तो एंट्री बहुत अच्छे से मार ली है। हिबा की तो कल से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और इसको मैं आज दवाई भी दिलवा के लाऊंगी। मैं बस वजू करके मतलब बैठी हूँ, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। और देखा तो मेरा बेटा ने एंट्री मार दी, बहुत ही अच्छी सी एंट्री मारी मेरे नन्नू ने। अनु कैसे हो तुम, ठीक हो? अनु खाना खाती है? डाइपर पे नन्ना नन्ना कहाँ है? नन्ना नन्ना तो चला गया, नन्ना आया था, मैं बुला रही थी तुझे। हिबा की ना आज, हिबा क्या आज क्या प्लान है तुम्हारे, जरा बताओ लोगों को। बता बता बता। आज एक्चुअली मैं बताती हूँ कि हिबा ने छत की बहुत अच्छे से सफाई वफाई की है, और उसकी जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो पार्टी करने वाली है आज। उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे था कल, बट आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी छत पे। तो आज हिबा की कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, है ना हिबा? हाँ, तो फिर हिबा की फ्रेंड से भी मैं मिलवाऊंगी। हिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कॉल्स पे ही उनके पेरेंट्स को मना रही है कि भेज दो। हिबा ऐसे नहीं बोलते बेटा। चलो मैं नमाज पढ़ती हूँ। उसे बच्चे को छोड़ी आई, इतनी सी छोटी सी बच्ची को लेके आई थी, और यह नाबिया ने आने में देर कर दी। अनु इनको हेलो कर दो। हेलो, इनको हाय हाय, बाय बाय, टाटा बाय बाय, एक साथ कहती है ना अभी। हाय अलीशा। तो ये है अलीशा, हिबा की फ्रेंड, जिगर का टुकड़ा हिबा का। हिबा की तबीयत खराब है, कुछ कहना चाहोगी तुम? हाँ, मैं दिल से ठीक हो जाऊँ बस यही। अरे और कुछ कहो भाई अच्छे से, हिबा को पैम्पर करो। तो आज मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, देखिए उनके तो अलग कुछ ही चल रहा है, सेल्फीज ले रही है शायद, हमेशा का है। मेरे आज बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं आज YouTube के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ, Instagram के लिए रील्स बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। बट मैंने सोचा तो है, नमाज हो गई मेरी, रील्स बनाने वाली हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करने वाली हूँ, जैसे कि एज यूजुअल मैं हमेशा करती हूँ फ़ोटोज़ क्लिक, मतलब सेल्फीज़ लेती हूँ मैं अपनी, वही लेने वाली हूँ। और मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ साथ साथ में, और मुझे ऐसे ही करना पसंद है। मतलब मैं मल्टी टास्किंग जब करती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैंने आज नया नया सूट भी पहना है। तो बच्चों ये सूट कैसा लग रहा है मेरा? जोर से बोलो, तेज बोला करो व्लॉग में। हिबा कैसा लग रहा है ये? पता है दुपट्टा इसका नहीं है, पर ये दुपट्टा से मैच कर रहा है ना पूरा। ये भी अच्छा नहीं, इसका दुपट्टा नहीं है, इसका दुपट्टा शायद मैंने पहले ही निकाल लिया था। ये सूट मैंने आप सिलवाया है, तो बहुत ही अच्छा एकदम मैच कर गया ये सूट। आप ही ने सिया था मेरा, आप ही मैंने पहन लिया ये सूट। और मैं अपने ही रूम में ढूंढती रहती हूँ कहाँ मुझे अच्छा व्यू मिल रहा है। यार आज मेरे इतने सारे प्लान्स हैं और टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे पास इतने सारे काम हो ना। तो लाइट चली गई है अभी, तो मैं पसीना पसीना हो गई हूँ फिर। तो आज मैं सोच रही हूँ कर्ल्स करूँगी अपने बालों में, पूरे कर्ल्स करूँगी, और मेकअप शेकअप करके इसी सूट में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ने बहुत अच्छा सिला है जो भी कहते हैं, बट एवो। खैर हाँ, देखिए पसीना तो आ ही रहा है मुझे। हिबा की जो फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं आई हैं अभी तक। हिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे टेंशन हो गई थी रात को, उसकी बहुत दर्द हो रहा था, उसके पेट में सीने में भी दर्द हो रहा था उसके, पता नहीं क्यों। उसको मैं आज डॉक्टर के भी लेके जाऊँगी, आज मुझे बहुत सारे काम हैं, और लगभग 2:30 बज गया है। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, लिपस्टिक नहीं लगाई है मैंने अभी, और ये लोग जा रही हैं अपनी फ्रेंड्स को लेने शायद पार्टी वार्टी शार्टी के लिए। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप ठीक लग रहा है? और ये सूट मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी, तो मेरी बहन। तो मैंने ये सूट पहन लिया है, ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा
सिला है, आप ही ने सिला है। अनाबिया मैं कैसी लग रही हूँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कितनी अच्छी लग रही है आपको बता दो, कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो तुम लोग जाओ, मुझे कितनी अच्छी लग रही है। और मैं थोड़े से बाल कर्ल्स करूंगी और आज बहुत सारे काम करूंगी। अनाभिया को भी ले जा बेटा, मैं क्योंकि ओके ये रेडी हो जाती है हमेशा। ओके अनाभिया बाय, चलो अनाभिया बाय, आई लव यू। पारू करके जाओ जल्दी से, आपको पारू करके जाओ जल्दी से। आई मेरा बच्चा जिगर का टुकड़ा। बिस्टिक दे दे, बिस्टिक लगा लो, इसमें नहीं है क्या? हाँ। बिस्टिक अच्छी लगती है लीजिए, बहुत मांगूंगी। बिट्टिक अच्छी लगती है। तो हिबा चली गई है अपनी किसी फ्रेंड को लेने और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अभी फिलहाल मैं एक एप्पल खा रही हूँ, उसके बाद में बाल कर्ल्स करूँगी, फोटोज क्लिक करूँगी सबसे पहले क्योंकि फ्रेश फ्रेश होता है, फिर रील्स बनाऊँगी, फिर यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी, फिर जैसे भी सिक्वेंस चलता है अल्लाह पाक हो जाए सब कुछ। बट तो हिबा की देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी से फ्रेंड्स आई हैं यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। सिमरन और इधर दूसरी वाली यास्मीन। यास्मीन यास्मीन और सिमरन। इतना सारा पास्ता कौन लेके आई है? मिला ले इस वजह से आप पढ़ सकते। अरे वाह, आज पास्ता पार्टी हिबा की फ्रेंड की तरफ से, वो हमारे घर आई है पास्ता लेके। वाह बहुत स्वीट है। मैं अब वीडियोस बना रही हूँ अपनी, बाद में आऊंगी ठीक है। उससे हेलो, कौन ले गया है पास्ता तुम में से? हिजबा। इतना सारा पास्ता, मैं तो कितनी अच्छी बच्ची है सबका ध्यान रखते हुए। हम सबके लिए पास्ता, हम मेरे लिए भी लाइए ना। हाँ सबके लिए, आपकी मम्मी। ये हिबा की सारी फ्रेंड्स हैं प्यारी प्यारी सी, और ये खुद हिबा है। हिबा खाना नहीं खाती, तुम लोग खाती हो? यस यस, मैं तो बहुत खाती हूं। हिबा खाना नहीं खाती, हिबा मैगी खाती है बस। ये खुद एक मैगी की तरह है। और हिबा की फ्रेंड पास्ता ही लेके आई है उसके लिए। तो सब हाय कर दो इधर कैमरा में देखते हैं। हाय हाय, चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं फोन दे देती हूँ हिबा का। हिबा का फोन मेरे पास है क्योंकि मैं वीडियोस बना रही थी। तो चलिए बाय बच्चों, एंजॉय। कितनी स्वीट बच्ची है यार, सबके लिए पास्ता लगी है। तो मैं खा कर देखती हूँ अभी। नाइस। बच्चों की पार्टी में ना एक चीज बहुत अच्छी होती है कि वो अपना अपना जो खाने पीने का सामान है ना सब अलग अलग लेकर आते हैं। मतलब स्कूल के लंच टाइम जैसी फीलिंग आती है। पसीना देखो मेरे को, पसीना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा एक वीडियो गाने का बन जाए, पर देखो मेरी हालत, पंखा बंद होता है और मेरी हालत ऐसी हो जाती है। मैं तब से लगी हुई हूँ और 7 बजने वाले हैं, मतलब 6:30 बज रहे हैं, और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। माइक की सेटिंग नहीं हो पाती और मुझसे फिर मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, गाना नहीं कर पाऊंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगने लगता है मुझे। आ रही है घंटी की आवाज़, ये बाहर घंटी की आवाज़ आ रही है, दुखी कर दिया इसने मुझे। जब सही होता है ना, जब ही घंटी बज जाती है वीडियो में, फिर मैं आज ही करना चाहती हूँ यार। मेरी सच में हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अब फिर से शूट करूं। मैंने लेटे लेटे भी फोटोज क्लिक कर लिए कि मैं लेटी थी तो मैं क्यों लेटी हूँ, खाली फोटोज क्लिक कर रही थी मैं। ओके मैं फिर से ट्राई करती हूँ, अल्लाह पाक इस बार हो जाए प्लीज। मेरे पे अजान भी होने वाली है और फिर मुझे रखना पड़ेगा सब। चैन को मेरे तुमने यूं ठगा है, मैं नहीं कर रही, नहीं करना मुझे। शाम हो गई है तो गोलगप्पे वाला और सब आ जाते हैं, मुझे वीडियो शूट करते में यही हो जाता है। इसलिए ना मेरा यही रीज़न है कि मैं अपने चैनल पे गाना अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर तक सारे काम होते हैं, नहीं कर पाती कुछ, और गाना करने के लिए मुझे सारे काम निपटाने पड़ते हैं दोपहर के, तो वही शाम हो जाती है ये। और फिर रात को भी बहुत सारे काम होते हैं, बुक खाना देना सब कुछ बाकी चीज़ें, तो यही टाइम होता है। और यहाँ पे मेरे घर पे ना कभी कोई हलवे पराठे वाला, कभी गोलगप्पे वाला आते रहते हैं सब, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। और आज मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाने बैठी थी लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। और मुझसे क्या नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ, मैं जब भी अच्छा करती हूँ ना तभी कोई आ जाता है और घंटी बजा देता है आके यार। बस हो गई मेरी बस। मैंने
इंस्टाग्राम के लिए वैसे वीडियो बना ले यार, पर मैं बहुत थक गई हूँ, आई कांट बजाइंग एनी मोर बजाएं, मैं बहुत थक गई हूँ सच्ची बता रही हूँ। और शायद मैं बच्चों को देख के आती हूँ, ऊपर पार्टी कर रहे थे वो लोग, निकल गए हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही। बर्थडे गर्ल जो थी उससे तो मिला दूँ मैं आप लोगों को, आओ इधर आओ। तो ये है हिबा की बर्थडे, मतलब हिबा की फ्रेंड बर्थडे गर्ल, जिसकी खुशी में आज पार्टी थी और ये सबसे लेट आई है। क्यों भाई? लेट बुलाया था इसने। तो बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया है, अब वो लोग जा रहे हैं। तो बेचारी बच्ची मेरे लिए रुकी हुई थी कि अर्शी आप ही से मिल के जाएगी, और लेकिन अर्शी आप ही तो बिजी थी, पूछ रही थी आप ही कहाँ गई थी आप जो थक गई। मैंने कहा बेटा मुझे थकने के लिए ना कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं थक जाती हूँ कमरे में ही अपने, आपको तो पता है कि मेरी आवाज़ बहुत देर हो गई, मेरे पापा भी तो डांटे ना। हमें भी ऐसे ही लगता था, टाइम से घर पहुँचना है, टाइम से घर आना है। इनका बर्थडे था, इनका ये ही सबसे लेट आई है। मैं दरवाजा खोला बन की ये इसको तो कह रही थी बस बर्थडे है, ये लड़की लेट आई है सबसे। यार मेरी वीडियो तो नहीं बन पाई, बहुत कोशिश की मैंने बहुत, फिर भी कुछ ना कुछ निकालूंगी उसके अंदर से। और अम्मी ये चादर, मुझे पता है तुम चादर देख रही हो है ना ये चादर मेरी अम्मी की है, नहीं तब नीचे की है, मैंने अपने यहाँ बिछा की क्योंकि मुझे आज ब्लॉग बनाना था और एक ही चादर देखते देखते पक गई हूँ मैं खुद, और लोग भी पक गए मेरे ब्लॉग में एक ही चादर देखते देखते, तो इसलिए मैंने आज ये वाली चादर बिछा ली थी। तो वीडियो के बाद दे दूँगी मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, इस ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके बताना, और मैंने इन लोगों को यहाँ इसलिए बिठाया है क्योंकि एंड करने में मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग बाय करें। तो अभी मैं बस मतलब रात ही हो गई, 8 बज गए, बैटरी भी लो हो गई है, आपकी नहीं मेरी बैटरी लो हो गई है। तो खैर हिबा की अभी दवाई दिलाने में लेकर जाऊंगी अभी इन सबको विदा करके। तो चलो सब एक साथ बाय कर देते हैं, बाय गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज। लगा है तू जब भी जब से दिल दुआ मैं बंद हट यूं ठगा है, घंटी बंद करो।